हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त विशाल, मैं आपका लेके आया हूँ यूट्यूब ट्रेनिंग के लिए बेसिक्स वीडियो। तो आज मैं बताऊंगा आपको यूट्यूब के बेसिक्स बारे में कि हम किस टाइप से अपनी फाइल्स में, अपने लेयर्स में कंटेंट लोड कर सकते हैं। बेसिकली अपने लेयर्स में फ़ोटो, वीडियोज़, ग्राफिक्स, इफेक्ट व सभी को लोड कर सकते हैं। इन सबको ऐड करने के लिए अपने पास में दो तरीके हैं। सबसे पहला कि हम डायरेक्ट फाइल से ड्रैग एंड ड्रॉप करें, या फिर डेस्कटॉप से अपने किसी भी फोल्डर से डायरेक्ट लेके आए। तो इसमें सबसे पहले व्यू में अपने पास फाइल करना जरूरी है, जिस टाइप से मैंने यहाँ से शो में फाइल को अपने पास ऐड किया, और फाइल से मैं किसी भी फोल्डर में जा कर के उसको ले सकता हूँ। जैसे मेरे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है फुटेज, उसके थ्रू मैं किसी भी ग्राफिक्स को अपने लेयर पे ऐड कर सकता हूँ। जिस टाइप से मेरे पास फोटेज में कुछ ग्राफिक्स है, इनको इस हार्ड के शेप पे क्लिक करके मैं अपने फेयरविक्स में ऐड कर सकता हूँ, जिससे मुझे इसको ढूंढने में आसानी हो और मैं इसे अपने हिसाब से रिमूव भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहे तो इसको अपने फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। और साइड के जस्ट फेवरेट के साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हम अपने किसी भी ग्राफिक्स को वीडियोस के फॉर्म में देख सकते हैं। देखिए, किसी भी ग्राफिक्स का आपको वीडियोस के फॉर्म में दिख रहा है, जिससे हमें वो ग्राफिक्स देखने में आसानी हो। अगर हमें ग्राफिक्स अगर लेना है तो डायरेक्ट उसका क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए, जिस टाइप से मैंने किया, किसी भी ग्राफिक्स को हम डायरेक्ट सेलेक्ट करके कहीं भी किसी भी लेयर में ऐड कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल ग्राफिक्स अगर चाहिए तो हम कंट्रोल का यूज़ करके अपने हिसाब से चार पाँच जितने भी ग्राफिक्स हैं उनको सेलेक्ट करके डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने लेयर के ऊपर में। सिंपली ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, बस हमने वहाँ पर सेलेक्ट करना है और अपने वर्क स्पेस लेयर में इसको सेलेक्ट करना है। अगर हम मल्टीपल कॉलम में अगर सेलेक्ट करना चाहें तो डायरेक्टली सिंपली हमें कॉलम में सेलेक्ट करना है और जो हमारे कॉलम होगा वहाँ पर अपने ग्राफिक्स सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें सेकेंड ऑप्शन डायरेक्ट किसी फोल्डर से अगर हम लेते हैं तो उसके लिए किसी भी फोल्डर पर डायरेक्ट सर्च करें और बाहर से सेलेक्ट करके हम उसको डायरेक्ट अपने लेयर पर ऐड कर सकते हैं। आज के वीडियोज़ में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।